हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे डाइल्यूशंस का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में। हम अपनी लैब में कई टाइप के डाइल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, वो कैसे करते हैं, क्या उनका बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो डाइल्यूशंस हम प्रिपेयर करते हैं किसी भी सॉल्यूशन का या फिर अपने पास जो सैंपल आता है उसका। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि जो सॉल्यूशन है वो क्या होता है, जो सॉल्यूशन है अपने पास वो क्या होता है, उसके क्या क्या कंपोनेंट है। तो सबसे पहले आता है अपने पास जो सॉल्यूशन है उसके दो कंपोनेंट होते हैं। दो कंपोनेंट कौन कौन से है, पहला है सॉल्वेंट और दूसरा अपने पास सॉल्यूट। अब सॉल्वेंट किसको बोलेंगे, सॉल्वेंट बोलते हैं जिसका अमाउंट ज्यादा होता है, और सॉल्यूट उसको बोलते हैं जिसका अमाउंट कम होता है। तो मान लेते हैं ये एक बीकर है, इस बीकर में अपने पास कोई सॉल्यूशन है। उस सॉल्यूशन में आप देख पा रहे हैं दो कलर से यहाँ पे डिनोट कर रखा है, सबसे पहला येलो कलर और दूसरा अपने पास ब्लैक कलर। तो जो ब्लैक कलर के डॉट है वो आपको दिख रहे हैं कि वो काफी कम है, मतलब कि काउंट करोगे तो आप ये सिर्फ क्या है अपने पास 8 डॉट्स हैं। जो सिर्फ 8 डॉट हैं वो क्या अपने पास कम अमाउंट में है, और जो बाकी येलो एरिया है वो क्या अपने पास उसका ज्यादा अमाउंट है। तो येलो डिनोट किसको कर रहा है अपने पास, सोलवेंट को, और जो सोल्यूट है वो किससे रिप्रेजेंटेड है यहाँ पे, ब्लैक डॉट से। तो यहाँ पे हमने देखा जो सॉल्यूशन है उसके दो कंपोनेंट हैं, पहला है सॉल्वेंट और दूसरा है सॉल्यूट। सॉल्वेंट उसको बोलते हैं जिसका अमाउंट ज्यादा है, सॉल्यूट उसको बोलते हैं जिसका अमाउंट कम है। यहाँ तक आपको सब क्लियर है। उसके बाद जो सॉल्यूशन है उसको हम बोलते हैं कई बार कि ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन भी हो सकता है और डाइल्यूटेड सॉल्यूशन भी हो सकता है। जैसे आपने लैब में सुना होगा कई बार बोलते हैं कि ये डाइल्यूटेड एसिड है, हम बोलते हैं कि ज्यादा कंसंट्रेटेड एसिड है तो वो ज्यादा हार्मफुल होता है। तो उसके पीछे जो अपने पास रीजन है वो आपको अभी समझ आएगा। जब आप देखोगे जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है उसको हम बोलते हैं कि ये एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट जो है वो ज्यादा होता है, और डाइल्यूटेड सॉल्यूशन किसको बोलते हैं जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट क्या अपने पास कम हो। जैसे अपने पास यहाँ पे दो फिगर आपको दे रखी है, जैसे ए बीकर है और दूसरी अपने पास बी बीकर। इन दोनों में अगर हम बात करें वॉल्यूम सेम है, मान लेते हैं अपने पास दोनों में वॉल्यूम कितनी है 1 लीटर, 1 लीटर सॉल्यूशन टोटल अपने पास, और अपने पास क्या करेंगे यहाँ पे, अब देखेंगे हम सॉल्यूट का अमाउंट, किसका अमाउंट देखेंगे सॉल्यूट का। सॉल्यूट का अमाउंट ए में ज्यादा है या बी में ज्यादा है वो डिसाइड करेगा कि ए ज्यादा कंसंट्रेटेड है या बी ज्यादा कंसंट्रेटेड है। तो ए बीकर में जब हम देखेंगे तो अपने पास कितने डॉट हैं यहाँ पे, 8 डॉट्स हैं, मतलब कि 8 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोल्यूट यहाँ पे प्रेजेंट हैं। वहीं हम बी में अगर देखें तो कितने अपने पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो यहाँ पे अपने पास क्या है 15 15 पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट यहाँ पे बी में प्रेजेंट है, बट वॉल्यूम क्या अपने पास सेम है। तो हमने देखा कि कंसंट्रेटेड उस सॉल्यूशन को बोलेंगे जिसमें ज्यादा सॉल्यूट है, मतलब कि बी वाला जो है अपने पास बीकर उसमें ज्यादा सॉल्यूट होने की वजह से हम क्या बोलेंगे, बी इज मोर कंसंट्रेटेड देन ए। तो बी वाला जो सॉल्यूशन है वो ए से ज्यादा कंसंट्रेटेड है, या फिर हम बोल सकते हैं ए इज मोर डाइल्यूटेड देन बी। जो ए वाला बीकर है वो ज्यादा डाइल्यूटेड है बी के कंपैरिजन में, तो ए क्या हो गया डाइल्यूटेड और बी क्या हो गया अपने पास कंसंट्रेटेड। तो ये हम सॉल्यूशन के लिए वर्ड यूज करते हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन एंड डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। उसके बाद हम देखते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन को हम डाइल्यूट कैसे कर सकते हैं। अब डाइल्यूट करने का मतलब है कि उसके अंदर सॉल्यूट का अमाउंट डिक्रीज करना है, डिक्रीज करना है अगर वॉल्यूम सेम रखेंगे तो। तो डाइल्यूट अगर करना किसी सॉल्यूशन को, उसके दो मेथड अपने पास। सबसे पहला है इंक्रीज इन सोलवेंट वॉल्यूम बट सोल्यूशन अमाउंट विल बी सेम, मतलब कि हम क्या करेंगे, देखो अपने पास दो चीज है, पहला है सोल्यूट, पहला क्या अपने पास सोल्यूट, और दूसरा क्या अपने पास सोलवेंट। तो इसमें हमने बोला है कि जो सोलवेंट है उसका अमाउंट हम इंक्रीज कर देंगे, सोल्यूट के अमाउंट को अगर बढ़ा देंगे और सोल्यूट के अमाउंट को सेम रखेंगे, सॉल्वेंट को बढ़ा देंगे और सॉल्यूट को सेम रखेंगे, तब क्या हो जाएगा अपने पास वो सॉल्यूशन डाइल्यूट हो जाएगा। कैसे देखते हैं इस एग्जांपल से, मान लेते हैं अपने पास ए बीकर है, अपने पास ये ए बीकर जो है इसमें मान लेते हैं अपने पास वॉल्यूम कितनी है 1 लीटर,
जो 1 लीटर वॉल्यूम है सॉल्यूशन की, उसमें अपने पास सोल्यूट के पार्टिकल कितने हैं? सोल्यूट के पार्टिकल वही कितने हैं अपने पास यहाँ पे, 8 पार्टिकल्स हैं। ठीक है, हमने क्या किया, इस बीकर को बढ़ा दिया, मतलब कि इस बीकर की वॉल्यूम को अगर बढ़ा दिया तो ये वॉल्यूम अपने पास क्या होगी, बढ़ गई। लेकिन जो सोल्यूट के पार्टिकल है वो कितने अपने पास यहाँ पर भी, 8 है। मान लेते हैं हमने इसको क्या किया, 1 लीटर से इसकी वॉल्यूम को क्या कर दिया, 2 लीटर कर दिया। क्या कर दिया, जो सॉल्यूशन था उसकी वॉल्यूम को बढ़ा दिया 1 लीटर से 2 लीटर अगर कर दिया, लेकिन सॉल्यूट के पार्टिकल सेम रहे, तो अपने पास ये जो नया सॉल्यूशन जो बनेगा ये क्या बनेगा, अपने पास डाइल्यूटेड बनेगा। इसकी कंसंट्रेशन क्या मिलेगी, कम मिलेगी। कितनी कम मिलेगी वो डिपेंड करता है हमने इसकी वॉल्यूम कितनी बढ़ा दी गई है। अगर हमने 1 लीटर से 2 लीटर इसको कर दिया है तो इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी भाई, इसकी वॉल्यूम जो है, देखो इस हमने इसकी वॉल्यूम बढ़ा दी 2 फैक्टर से, वॉल्यूम क्या कर दी, डबल। वॉल्यूम अगर डबल कर दी तो इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। अगर यहाँ पर ये जो ए सॉल्यूशन था ये अगर 2% का कोई सॉल्यूशन था, तो अपने पास जो नेक्स्ट जो सॉल्यूशन बनेगा डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, उसमें जो कंसंट्रेशन रह जाएगी वो कितनी रह जाएगी, 1% रह जाएगी। ठीक है, तो पहला मेथड था हमने क्या किया, सॉल्वेंट की अमाउंट इंक्रीज कर दी, सॉल्वेंट की वॉल्यूम इंक्रीज कर दी, लेकिन सॉल्यूट का अमाउंट वही सेम रखा। उसके बाद दूसरा मेथड अपने पास, इंक्रीज इन सॉल्वेंट इज मोर देन इंक्रीज इन सॉल्यूट, मतलब बढ़ा हम दोनों की कंसंट्रेशन या वॉल्यूम रहे हैं, लेकिन जो सॉल्वेंट की जो मात्रा हम बढ़ा रहे हैं वो क्या है अपने पास, ज्यादा है एज कंपेरिजन टू सोल्यूट। देखिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं वही अपने पास ये बीकर ए है और ये बीकर बी है। जो ए बीकर है उसकी वॉल्यूम हम मान लेते हैं क्या अपने पास, 1 लीटर है, और जो वो अपने पास बीकर बी है उसकी जो वॉल्यूम अपने पास क्या है, 2 लीटर हमने कर दी, बढ़ा दी मतलब की। ठीक है, लेकिन जो सोल्यूट हमने बढ़ा दिए हैं, सोल्यूट कितने बढ़ाए अपने पास, इसमें जो ए बीकर में देखेंगे तो अपने पास कितने पार्टिकल हैं, 8 पार्टिकल्स हैं, 8 सोल्यूट्स हैं यहाँ पे। और जो अपने पास बी बीकर है उसमें क्या अपने पास, 10 सोल्यूट्स हैं, 10 मोलिक्यूल है सोल्यूट की। अब देखते हैं जो ए है, जो ए बीकर है उसमें 1 लीटर सोलवेंट में या 1 लीटर सोल्यूशन में अपने पास 8 सोल्यूट हैं, लेकिन बी में 2 लीटर सोल्यूशन है, मतलब कि 1 लीटर से हमने क्या कर दिया, 2 लीटर कर दिया, मतलब कि अमाउंट क्या कर दिया सोल्यूट का, अमाउंट सोलवेंट का जो अपने पास यहाँ पे क्या कर दिया, डबल कर दिया। जो सोलवेंट का अमाउंट तो हमने डबल कर दिया, लेकिन जो सोल्यूट है वो क्या किए, 8 to 10, मतलब कि जितना इंक्रीज हमने सोलवेंट में किया है उतना इंक्रीज हमने सोल्यूट में नहीं किया। तो जो ए सोल्यूशन था या ए बीकर में जो सोल्यूशन था उसको हमने बी बीकर में क्या कर दिया, डाइल्यूट कर दिया। लेकिन लेकिन जो अपना पहला जो मेथड था जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ सोलवेंट का अमाउंट बढ़ाया था, उसमें जो हमने डाइल्यूशन किया था वो डाइल्यूशन ज्यादा था इस मेथड के मुकाबले, क्योंकि हमने यहाँ पे साथ में क्या किया, अपने पास सोल्यूट का अमाउंट भी बढ़ा दिया गया है। तो दो ही मेथड से हम क्या करते हैं, डाइल्यूट कर सकते हैं। ये मेथड हम यूज नहीं करते हैं, हम मेथड कौन सा यूज करते हैं, सोलवेंट ही ऐड करते हैं, मतलब कि कोई सोलवेंट ही ऐड करते हैं अगर हम हमको कोई सॉल्यूशन डाइल्यूट करना है। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले अपने पास एग्जाम्पल आता है, अगर आपने देखा हो कहीं पे लिखा हो 1:2 डाइल्यूशन। अब 1:2 डाइल्यूशन अगर कहीं पे लिखा है तो उसका मतलब है हमने क्या कर दिया, उस सॉल्यूशन को 2 टाइम्स डाइल्यूट कर दिया। मतलब कि मान लेते हैं अपने पास 1 लीटर कोई सॉल्यूशन है, 1 लीटर अगर कोई सॉल्यूशन है उसमें हमने 1 लीटर पानी और ऐड कर दिया, 1 लीटर वाटर इज एडेड इनटू 1 लीटर सॉल्यूशन। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में 1 लीटर वाटर और ऐड कर दिया, ये क्या हो गया अपने पास, 2 टाइम्स डाइल्यूशन, डाइल्यूशन हो गया ये। और 2 टाइम्स डाइल्यूशन होने का मतलब है जो उसकी कंसेंट्रेशन पहले थी बाद में वो कितनी रह जाएगी, हाफ रह जाएगी। तो 1:2 डाइल्यूशन का मतलब है 2 टाइम्स डाइल्यूशन, नॉट 1 टाइम्स डाइल्यूशन। ओके, एंड द कंसेंट्रेशन विल बी डिक्रीज टू हाफ ऑफ इनिशियल कंसेंट्रेशन। अगर पहले उसकी 5% थी कंसेंट्रेशन तो बाद में कितनी रह जाएगी, 2.5 कंसेंट्रेशन रह जाएगी, अगर हमने क्या किया, इक्वल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट उसमें दोबारा से ऐड कर दिया। दूसरा, जैसे 1:10 डाइल्यूशन अगर कहीं पे लिखा है, तो 1:10 डाइल्यूशन का मतलब है जो सॉल्यूशन अपने पास उसका 1 पार्ट, या फिर हम बोल सकते हैं 1 ml, 1 ml सॉल्यूशन अगर है
उसमें 9 ml अगर मोर सोलवेंट हम ऐड कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा अपने पास 1:10 डाइल्यूशन, और इसको हम बोलेंगे हमने क्या कर दिया 10 टाइम्स डाइल्यूट कर दिया। क्या कर दिया 10 टाइम्स डाइल्यूट कर दिया। अब देखो हमने ऐड कितना किया है 9 टाइम्स, मतलब कि 9 पार्ट ऐड किए हैं सोलवेंट के, लेकिन हम उसको बोलेंगे डाइल्यूशन कितना अपने पास 10 टाइम्स डाइल्यूशन है। सिमिलरली क्या रहेगा 1:100 डाइल्यूशन जो है उसमें हम क्या करेंगे सॉल्यूशन का एक पार्ट लेंगे उसमें ऐड कर देंगे 99 पार्ट ऑफ सॉल्वेंट, तो अपने पास जो नया सॉल्यूशन बनेगा उसको हम बोलेंगे वो क्या हो गया 100 टाइम्स डाइल्यूट हो गया। क्या हो गया 100 टाइम्स डाइल्यूट हो गया। अब देखो इसमें भी क्या किया है ऐड किया 99 और हो गया कितना अपने पास 100 टाइम डाइल्यूशन, मतलब कि जो 100 टाइम डाइल्यूट हुआ है उसमें जो 100 पार्ट है उनमें से एक पार्ट किसका रहेगा हमेशा सॉल्यूशन का रहेगा। ठीक है उसके बाद और समझते हैं हम इसको अच्छे से। मान लेते हैं अपने पास एक लाइन लिखी है 10 टाइम्स डाइल्यूशन ऑफ 1 ml सीरम, इसका क्या मतलब है। देखो हमने क्या किया 1 ml सीरम लिया, 1 ml सीरम को लेके हमने उसको डाइल्यूट किया कितना 10 टाइम्स। अब इसको कैसे करेंगे देखते हैं। मान लेते जो सबसे पहले अपने पास ए बिकर है, पहली जो बिकर है इसमें क्या है अपने पास 1 ml सीरम है, 1 ml सीरम अगर हमने लिया उसको हम क्या करेंगे डाइल्यूट करते चलेंगे। डाइल्यूट अगर करना है तो मान लेते हैं हमने क्या किया इसके अंदर 1 ml नॉर्मल सलाइन ऐड कर दिया। क्या कर दिया 1 ml नॉर्मल सलाइन हमने क्या कर दिया ऐड कर दिया, तो इसकी वॉल्यूम कितनी होगी 1 ml से लेकर 2 ml होगी। पहले 1 ml थी फिर क्या होगी 2 ml। यहाँ पर जो सबसे पहले हमने देखो जब सबसे पहला डाइल्यूशन हमने इसको बोला था हमने इसको क्या कर दिया 2 times डाइल्यूट कर दिया। क्या कर दिया 2 times डाइल्यूट कर दिया। ठीक है क्यों, क्योंकि इसकी वॉल्यूम क्या कर दी डबल कर दी। और अभी हमने पढ़ा था कि जो सबसे पहला डाइल्यूशन वो क्या अपने पास 2 times डाइल्यूशन है ना कि सिंगल टाइम या 1 time। ओके तो यहाँ पे अगर हमने क्या किया 1 ml अगर नॉर्मल सलाइन ऐड किया तो उसका यहाँ पे कौन सा आ गया 2 times डाइल्यूशन। सिमिलरली क्या करेंगे फिर 2 ml में 1 ml और डालेंगे तो वो कौन सा आ जाएगा 3 times, फिर 4 time, फिर 5 time, 6 time, 7th time, 8 time, 9 time एंड 10 time। और हमने यहाँ पे फाइनली क्या कर दिया 10 ml इसको कंप्लीट कर दिया, 10 ml टोटल हो गया, इसीलिए हमने 10 ml को टोटल क्या बोल दिया कि ये क्या हो गया 10 times डाइल्यूट हो गया। क्या हो गया 10 times डाइल्यूट हो गया। अब देखते हैं जैसे हमने पढ़ा था कि अगर 1:10 डाइल्यूट करें तो उसमें 1 ml तो क्या लेंगे अपने पास सॉल्यूशन, या फिर इनिशियली जो हमने लिया यहाँ पे सॉल्यूशन की जगह हमने क्या लिया 1 ml सीरम लिया है, तो 1 ml सीरम लिया है उसके बाद 9 ml सॉल्वेंट ही हमने इसमें ऐड किया है या नॉर्मल सलाइन ऐड किया। कैसे देखो सबसे पहले 1 ml जब था तब हमने कितना किया 1, फिर टोटल कितना आ गया 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, तो टोटल सॉल्वेंट कितना यूज हुआ अपने पास 9 ml, और टोटल वॉल्यूम कितनी होगी अपने पास 10 ml। जो अपने पास स्टार्टिंग में सॉल्यूशन हमने लिया है उसकी वॉल्यूम इसके साथ ऐड रहेगी और टोटल वॉल्यूम अपने पास कितनी हो जाएगी 10। मतलब कि 10 times डाइल्यूट करने के लिए सॉल्वेंट कितना डालना पड़ता है 9 times। ठीक है अगर 1 ml था तो उसका 9 time कितना हो गया 9 ml, तो 9 ml सॉल्वेंट जब हम 1 ml सीरम में डाइल्यूट डाल देंगे मिक्स कर देंगे तो हम बोलेंगे इसको हमने सीरम को 10 times डाइल्यूट कर दिया। उसके बाद और देखते हैं जैसे रेशो लिखा होता कई जगह पे, रेशो लिखने का मतलब जैसे अगर कहीं पे लिख दिया 3:4 रेशो। अब 3:4 रेशो का मतलब क्या है, 3:4 का रेशो का मतलब है अगर अपने पास दो सब्सटेंस है या दो सॉल्यूशन है जैसे वन हो एक हो गया एक्स और दूसरा हो गया वाई, अब 3:4 में मिक्स करना मतलब कि 3 parts तो अपने पास किसके हो गए एक्स के और 4 parts किसके हो गए वाई के, तो हम उसको बोलेंगे क्या है 3:4 रेशो का अपने पास क्या है सॉल्यूशन है। उसके साथ साथ हमने एक जगह पढ़ रखा है कि जो रेशो होता है किसका ब्लड का और ट्राइसोडियम सिट्रेट का, जो 9:1 हम यूज करते हैं किसके लिए कोएगुलेशन स्टडी के लिए, तो इसमें क्या अपने पास इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 9 parts अपने पास किसके हैं ब्लड के और 1 part किसका है ट्राइसोडियम सिट्रेट का जो कि एंटीकोगुलेंट का काम करता है। ठीक है तो हम इसको कैसे बोल सकते हैं कि अगर हमने 2.7 ml ब्लड लिया मतलब कि ये क्या हो गया अपने पास 9 parts हो गए, अगर 1 part 0.3 ml का है
एक पार्ट अगर 0.3 ml का है तो 9 पार्ट किसके हो गए ब्लड के और 1 पार्ट किसका हो गया ट्राई सोडियम सिट्रेट का। तो इस तरीके से हम रेशो वाली चीज को देखते हैं, जहां पर भी रेशो दिया मिलेगा 3:4 9:1, तो उसका मतलब क्या है दोनों पार्ट है, मतलब कि पहला पार्ट किसी दूसरी चीज का है दूसरा पार्ट किसी दूसरी चीज का है। तो इस तरीके से हम देखते हैं रेशो को। उसके बाद अपने पास टर्म आती है डाइल्यूशन फैक्टर। डाइल्यूशन फैक्टर क्या होता है देखते हैं, जो फाइनल वॉल्यूम है जो अपना फाइनल वॉल्यूम बनता है आफ्टर डाइल्यूशन, डाइल्यूट करने के बाद जो फाइनल वॉल्यूम बनता है उसको अगर हम इनिशियल वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा फाइनल डाइल्यूशन फैक्टर आ जाएगा। जैसे 1 ml सीरम इज 10 times डाइल्यूटेड विद नॉर्मल सलाइन, 1 ml सीरम में हमने अगर उसको डाइल्यूट कर दिया 9 ml नॉर्मल सलाइन डालकर 10 times अगर डाइल्यूट कर दिया तो इसमें अपनी फाइनल वॉल्यूम कितनी हो जाएगी 10 ml, कितनी हो जाएगी 10 ml, 1 ml ब्लड या फिर सीरम प्लस 9 ml नॉर्मल सलाइन, तो टोटल वॉल्यूम कितनी होगी अपने पास 10, कितनी होगी 10 ml। अब देखो टोटल होगी 10 ml, इनिशियल कितनी थी अपने पास 1, सीरम कितना लिया है 1 ml, तो इनिशियल वॉल्यूम क्या होगी 1 ml, तो 10 / 1 इज इक्वल टू 10, तो डाइल्यूशन फैक्टर अपने पास यहाँ पे कितना आ जाएगा 10। तो इस तरीके से हम डाइल्यूशन फैक्टर को निकाल सकते हैं। अब हम इन सभी को समझते हैं क्वेश्चंस की हेल्प से। तो पहला क्वेश्चन अपने पास दे रखा है हाउ मच सेलाइन इज रिक्वायर्ड टू डाइल्यूट 0.5 ml ऑफ ब्लड 10 times, अगर 0.5 ml ब्लड है उसको 10 times डाइल्यूट करना है तो इसके लिए हमको सेलाइन कितना चाहिएगा। सबसे पहला ऑप्शन है 50 ml, सेकंड है 45 ml, थर्ड है 5 ml और फोर्थ है 4.5 ml। अभी हमने देखा कि जो एक पार्ट है अपने पास, एक पार्ट जो है वो टोटल टाइम्स जो है उसी का पार्ट है, मतलब कि जो 10 times हमने डाइल्यूट किया है उसमें एक पार्ट किसका अपने पास जो इनिशियल सॉल्यूशन है उसका, तो बाकी कितने पार्ट बच गए अपने पास 9 पार्ट। अब जो 9 पार्ट हैं वो किसके रहेंगे अपने पास, सोलवेंट के रहेंगे या फिर नॉर्मल सेलाइन के रहेंगे। अब जो 9 पार्ट है वो 9 पार्ट किसके कंपैरिजन में है, जो इनिशियल वॉल्यूम है उसके कंपैरिजन में, तो इनिशियल वॉल्यूम कितनी अपने पास 0.5, मतलब कि 0.5 का क्या है एक पार्ट है, एक पार्ट कितने का अपने पास 0.5 ml का, तो 9 पार्ट कितने के हो जाएंगे तो अपने पास आएगा 9 × 0.5, तो ये अपने पास कितना आ जाएगा 4.5। तो 4.5 अपना फाइनल आंसर क्या आएगा, 4.5 ml सेलाइन हमको चाहिएगा अगर हमको 0.5 ml ब्लड को 10 times डाइल्यूट करना है। तो अगला क्वेश्चन अपने पास व्हाट इज द डाइल्यूशन फैक्टर व्हेन 1 ml ऑफ ब्लड इज मिक्स्ड विद 199 ml ऑफ सेलाइन। 199 ml सेलाइन लिया है उसके बाद हमने 1 ml ब्लड उसमें ऐड किया है तो अपने पास डाइल्यूशन फैक्टर क्या रहेगा। ऑप्शंस आपके पास 199, 100, 299। इस क्वेश्चन में हम देखते हैं, हमने देखा था कि जो डाइल्यूशन फैक्टर है उसका फॉर्मूला है फाइनल वॉल्यूम डिवाइड बाय इनिशियल वॉल्यूम। यहाँ पर अपने पास इनिशियल वॉल्यूम कितनी है 1, ब्लड कितना लिया अपने पास 1 ml लिया है तो इनिशियल वॉल्यूम होगी 1। उसके बाद हमने क्या किया फाइनल वॉल्यूम देखनी, फाइनल वॉल्यूम कैसे देखेंगे जो नॉर्मल सलाइन डाला है और जो ब्लड लिया टोटल वॉल्यूम देखनी, तो 1 + 199 तो टोटल वॉल्यूम अपने पास कितनी होगी 200। ठीक है, अपने पास फॉर्मूला फाइनल वॉल्यूम डिवाइड बाई इनिशियल वॉल्यूम। अब फाइनल वॉल्यूम होगी अपने पास 200 और इनिशियल वॉल्यूम कितनी थी अपने पास 1 ml, तो अपने पास इस क्वेश्चन का सही आंसर कितना रहेगा 200। तो डाइल्यूशन फैक्टर इस क्वेश्चन के लिए कितना रहेगा 200, तो ऑप्शन सी इसका क्या रहेगा सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास हाउ वी कैन डाइल्यूट ए सोल्यूशन, एक सोल्यूशन को अगर डाइल्यूट करना है तो इनमें से कौन कौन से हम मेथड अपना सकते हैं। सबसे पहला है बाय इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का अमाउंट बढ़ाकर। दूसरा अपने पास बाय डिक्रीजिंग अमाउंट ऑफ सोलवेंट, सोलवेंट का अमाउंट कम करके। और थर्ड है अपने पास बाय इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ सोलवेंट, सोलवेंट सोलवेंट का जो अमाउंट है उसको बढ़ाकर, या फिर फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबो। अब देखते हैं एक एक वो ऑप्शन देखते हैं अपने पास बाय इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ सोल्यूट। देखिए डाइल्यूट अगर किसी सोल्यूशन को करना है
तो उसमें क्या करते हैं, हमने देखा कि सोलवेंट के अमाउंट को हम बढ़ाते हैं, किसको बढ़ाते हैं, सोलवेंट के, ना कि सोल्यूट के। अगर सोल्यूट के अमाउंट ज्यादा रहेंगे तो उसके पास उसको हम कंसंट्रेटेड सोल्यूशन बोलेंगे। दूसरा अपने पास बाई डिक्रीजिंग अमाउंट ऑफ सोलवेंट, अगर सोलवेंट का अमाउंट डिक्रीज कर दिया तो क्या रहेगा अपने पास, सोल्यूट के पार्टिकल ज्यादा हो जाएंगे तो ये भी कंसंट्रेटेड सोल्यूशन रहेगा। थर्ड अपने पास बाय इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ सोलवेंट, ये सही रहेगा अपने पास, अगर सोलवेंट का अमाउंट बढ़ा देंगे तो अपने पास जो सोल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा, ऑल ऑफ दी वो नहीं रहेगा, क्योंकि ये दोनों जो ऑप्शन है ऊपर वाले ये क्या करते हैं, किसी भी सोल्यूशन को कंसंट्रेटेड करवाने में हेल्प कर सकते हैं, ना कि डाइल्यूट करने में। फोर्थ अपने पास व्हेन सीबीसी इज परफॉर्म्ड विद डाइल्यूटेड ब्लड, देन अगर हम एक डाइल्यूटेड ब्लड का सैंपल लेंगे और उसका क्या करेंगे, सीबीसी करेंगे, तो उस कंडीशन में क्या रहेगा, आरबीसी काउंट विल बी डिक्रीज्ड, डब्ल्यूबीसी काउंट विल बी डिक्रीज्ड, प्लेटलेट काउंट विल बी डिक्रीज्ड, या फिर ऑल ऑफ दी अबोव। देखो अगर अपने पास कोई सैंपल है, हमने उसको डाइल्यूट किया, डाइल्यूट करने के बाद हो सकता है हमने उसके नंबर ऑफ सोल्यूट क्या रखे हो, सेम रखे हो, क्या रखे हो, नंबर ऑफ सोल्यूट सेम रखे हो, लेकिन जो उसकी वॉल्यूम हो वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर वॉल्यूम बढ़ जाएगी, वॉल्यूम अगर बढ़ गई तो अपने पास सीबीसी अगर हमने लगा दिया तो सीबीसी जो है अपने पास क्या करेगी, यूनिट के हिसाब से रिजल्ट देगी, ठीक है। जैसे नंबर ऑफ सेल पर एमएम क्यूब के हिसाब से अगर उसने रिजल्ट दे दिया तो वो क्या करेगा, अपने पास इस सेल काउंट को डिक्रीज करवा देगा, तो आरबीसी भी कम हो जाएंगे, डब्ल्यूबीसी कम हो जाएंगे और प्लेटलेट भी कम हो जाएंगे, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। अगर डायरेक्ट अगर हमसे पूछा होता कि सॉल्यूशन को हमने सिर्फ डाइल्यूट किया बाय एडिंग सॉल्वेंट, तो नंबर ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट उस सॉल्यूशन में सेम रहेगा, सॉल्यूशन में सेम रहेगा, बट हम जो यूनिट देखेंगे आरबीसी काउंट की, प्लेटलेट काउंट की, या फिर डब्ल्यूबीसी काउंट की, तो उस यूनिट के हिसाब से क्या हो जाएगा अपने पास, सभी का काउंट डिक्रीज हो जाएगा, वो कम हो जाएंगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑल ऑफ दी वो, प्लेटलेट, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी तीनों कम आएंगे अगर हम उसका सीबीसी लगाएंगे तो। फिफ्थ क्वेश्चन अपने पास, व्हाट इज द डाइल्यूशन फैक्टर व्हेन 9 ml ऑफ ब्लड इज मिक्सड विद 1 ml ऑफ ट्राइसोडियम सिट्रेट। डाइल्यूशन फैक्टर पूछा है, अगर हम 9 ml ब्लड में 1 ml ट्राइसोडियम सिट्रेट डालते हैं तो पहला ऑप्शन है पास 1, सेकेंड ऑप्शन है 10, थर्ड है 1.1 एंड फोर्थ है 9। तो देखो सबसे पहले हमने पढ़ा कोई भी डाइल्यूशन फैक्टर अगर हमने निकालना तो हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले फाइनल वॉल्यूम, क्या लिखते हैं, फाइनल वॉल्यूम। और जो फाइनल वॉल्यूम है अपने पास, फाइनल वॉल्यूम को डिवाइड करते हैं किससे, इनिशियल वॉल्यूम से। फाइनल वॉल्यूम यहाँ पे कितनी बनेगी अपने पास, 9 ml तो अपने पास क्या है, ब्लड है, और 1 ml क्या है, ट्राइसोडियम सिट्रेट है, तो टोटल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम कितनी आ गई, 10 ml, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद है इनिशियल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितनी अपने पास यहाँ पे, 9 है, तो अपने पास फॉर्मूला जो है वो बनेगा 10 / 9, तो इसको डिवाइड जब करोगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, 1.1। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बच्चे इसको डायरेक्ट क्या कर देते हैं, इसका 10 निकाल देते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन का सही आंसर जो रहेगा अपने पास 1.1 रहेगा। इसका डाइल्यूशन फैक्टर जो निकाला है हमने, 9 ml ब्लड को मिक्स किया 1 ml ट्राइसोडियम सिट्रेट के साथ। तो ये था अपने पास कॉन्सेप्ट ऑफ डाइल्यूशन। अगर यहां तक आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट छोड़ सकते हैं। इस पूरी क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी जिसका नाम है एमएलटीएन, जो एमएलटीएन ग्रुप अपना टेलीग्राम पर, उस पर इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी, और इस ग्रुप को आप डायरेक्ट ज्वाइन भी कर सकते हैं, और इसका लिंक जो अपने यूट्यूब के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखा है, तो आप उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।